हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7.9 की। तो लास्ट क्लास में प्रॉपर हमने एक प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक बात करी थी, जो कि आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो प्रॉपर इस लेक्चर में आपको मैं कई स्पेशल टाइप बताऊंगा, तो इसको प्रॉपर आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ से होती हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपका आएगा ही आएगा, जहाँ से बनता है मैं बिल्कुल कहूँगा कि यहाँ बनेगा, लेकिन अब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ बोल दूँ कि मतलब आने की संभावना है तो इसका मतलब आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके सेट में हो दूसरे के सेट में हो सकता है, या उसके में ना हो तो आप में हो सकता है। मतलब बनना है तो बनना है या बनने की संभावना है, बात समझ रहे ना। मतलब इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा कि मतलब आने वाला ही है, अब आए या ना आए वो बात की बात है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। जो मैंने लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर यहाँ पे 6 फॉर्मूले लिखे थे, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन भी आपके ऐसे होंगे कि जब इसको आप सॉल्व करें कहीं ना कहीं 6 फॉर्मूले में ही ये सब बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमको अप्लाई करनी है। अब मेन है वो उस फॉर्मूले को बनाना। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंडीशन होती है, मैंने आपसे कहा था जब नॉर्मली जल्दी से हो सकता है तो तुरंत कर लेंगे। ठीक है, जब नहीं हो पाएगा तो हमको आगे यानी कि जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब मेथड क्या होता है, मेथड सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो आपका क्या होता है, 1। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिसे यहाँ 9 लिखा तो 9 को हमको गायब करना पड़ेगा हर हाल में, बस समझ लें। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन, देन इसको हम बनाएंगे आई। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ का पूर्ण वर्ग बनाने जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो जो चीज़ आगे है उसको कॉमन ले लीजिए, तब तो 1 बन ही जाएगा ना। तो यहाँ पे 9 है तो 9 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 9 आपका ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। और जब हमने यहाँ से 9 निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से 9 मतलब यहाँ पे है नहीं, तो मेरे को पता है जिसके पास होता है वहाँ से निकल जाता है, जिसके पास नहीं होता मतलब डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे जब नहीं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6/9x हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं मतलब यहाँ कितना आएगा, 5/9 हो जाएगा। ये चीज़ बन गई। तो आई इक्वल टू आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1/9 इंटीग्रेशन dy/dx, जैसे है वैसे राइट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये चीज़ बन गई। अब क्या करना है, क्योंकि पहला काम जो था वो हमने कर लिया। पहला काम क्या था, पहला मेरा काम था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो 1 बना लिया हमने, बिल्कुल बन गया। अब क्या करना है, जो एक्स का जो कोफिशियंट है, मेरी बात समझिएगा, जो एक्स का गुणांक है कितना है, 6/9। पहले आप क्या करिए, उसका आधा करिए। जब हम 6/9 यहाँ रफली में देखिएगा, 6/9 यहाँ हमने लिखा है, इसका हमने आधा मतलब उसको हमने 2 से भाग दिया। जैसे ही 2 से भाग दिया तो ये नंबर कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रॉपर 6/6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2×9 हो जाएगा। और इस जैसे इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 से ये काटेंगे 3 बार में जाएगा, यानी कि जैसे ही इसका आधा करेंगे 6/9 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आधा करने का मतलब यह है कि उसी नंबर को हमेशा 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दिया थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ 1/3 आ गया। तो हमने 6/9 का आधा किया कितना आया, 1/3 आया। तो जो आता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, उतना ही जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, यानी कि जैसे ही आपका यहाँ लिखा है कितना, 6/9x प्लस का 5/9 ये लिखा है। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था इसका आधा करिए, जितना आए उसका स्क्वायर करिए। आया कितना, 1/3 आया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो उतना ही हमने यहाँ पे जोड़ना है, उतना ही हमको यहाँ पे क्या करना, घटाना है। तो हमने घटा दिया। अब आगे समझिएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ में हमेशा जो हम जोड़ रहे हैं जो घटा रहे हैं, हमेशा जोड़ने वाले को इसके साथ लिखते हैं, घटाने वाले को जो आपका जो अलग बचता है उसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, आई हो जाएगा, ये आपका 1/9 चल रहा, चलने दीजिए। इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6/9x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या, हमने कहा था जो जोड़ना है उसके हमने साथ में लिख लेना है, ये हमने कर लिया। प्लस लगाया, यहाँ कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। माइनस लगाया, यहाँ पे हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा आपका इतना इंटीग्रेशन dx/।
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बनाएंगे कितना आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 का जो हमने स्क्वायर किया था तभी तो ये आया था। मतलब यहाँ b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह 1/3 होगा, तभी स्क्वायर करेंगे तभी तो 1/9 होगा। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर ये हुआ, बी स्क्वायर ये हुआ, प्लस का 2ab यहाँ पे आया। इसका मतलब ये पता चल गया, यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है कितना बन रहा है, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही सर कि यहाँ पर किसका स्क्वायर बनेगा, जो आप यहाँ पे आधा करते हैं हमेशा उसी का यहाँ पे नंबर रख के स्क्वायर बनता है, बात समझिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस का यहाँ लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 9 जो बताया था, हर आपका जब बराबर होता है उसको ऐसे राइट करते हैं, ऊपर वाला नंबर जुड़ रहा तो जोड़ दीजिए, घट रहा तो घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ बन गई। तो अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू आपका ऐसे लिखा जाएगा 1/9 ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन में लिखा जाएगा कितना, एक्स प्लस 1/3 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना 2/9, सुमा करिएगा 2/होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर मिल रहा है। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx कितना होता था, 1/a tan inverse x/a होता था, वही सेम कंडीशन यहाँ बन रही जो हमने लास्ट टर्म फॉर्मूले जो लिखे थे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू आपका ऐसे रहेगा कितना 1/9, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा, तो ब्रेकेट लगाएगा 1/a, 1/a की जगह कितना है 2/3 है, तो वहाँ पे आ जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा कितना tan इनवर्स x, x की जगह आपका हो जाएगा कितना x प्लस 1/3 हो जाएगा, उसके बाद a की जगह कितना हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर c ऐड कर देंगे, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3x + 1/3 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे चल रहा है 2/3 चल रहा है, ठीक है, और प्लस का c, अब 3 से क्या होगा, 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इस चीज़ के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नॉर्मली इससे क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, tan इनवर्स राइट किया जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3x + 1 आपका ऐसे रहेगा, अपॉन में यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, और प्लस का यहाँ पे c लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे समझ आई होगी, तो इस तरह का आप आपको अप्लाई करना है, ठीक है। चीज़ें कैसे ही बनी कोई मैटर नहीं करता, बस आपको ये फॉर्मेट कैसे चेंज करना है वो बताना है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको किसी भी चीज़ का पूर्णवर्ग बनाना है तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 नहीं दिख रहा है तो जो भी नंबर आगे हो उसको कॉमन निकाल लो, उसके बाद जो एक्स का जो कोफिशियंट आता है उसका आप आधा करिए, आधा करने के बाद जो आता है उसका आप स्क्वायर करके उसी में जोड़ दीजिए, उसी में घटा दीजिए। जोड़ना जो इतना है उसको हम लोग इन दोनों के वेरिएबल के साथ लिख लेते हैं, बाकी वाले को हम लोग इसके साथ कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, उन 6 फॉर्मूलों में कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 12 लिखा है, इंटीग्रेशन 1/√7 − x, 6x − x², ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपका जो क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो, इस तरह की कंडीशन भी बन सकती है, बस समझ रहे ना, सब कुछ मैं बताऊंगा, बस आपको ध्यान से चीज़ें समझनी है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर राइट करेंगे क्या सोल्यूशन, देन इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे आई के इक्वल, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/√ कितना है 7 − 6x − का यहाँ पे आ जाएगा x², ये आपको हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा। अब ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ का जब स्क्वायर ओपन करते हैं जो पहला जो टर्म आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, x² + b² दोनों पॉजिटिव हुए, इसका मतलब सर पूर्णवर्ग बनाने के लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ बनाने के लिए सर एक ही रास्ता दिख रहा है हमको, क्या सर कॉमन ले लिया जाए, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ भी ये निगेटिव था कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बस कहानी बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब सर हमको बनाना है पूर्ण वर्ग, और सर आपने बताया था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रॉपर एक्स स्क्वायर को अकेले देखना, स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो अकेला होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे गुणांक अकेला दिख रहा है। उसके बाद सर जब ये कहानी हो गई है देन सर जो एक्स का गुणांक होता है उसका हम लोग करते हैं कितना आधा, और जब यहाँ पर सिक्स का हम लोग आधा करेंगे कितना आएगा तीन, और तीन का सर हम स्क्वायर करते हैं उतना ही जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, ये काम हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट, ठीक है। तो चीज़ें समझते रहिएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सिक्स एक्स। अब ध्यान से देखिए इसका आधा तीन, तीन का स्क्वायर नौ, तो नौ हमने यहाँ जोड़ा और नौ हमने यहाँ पे घटाया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बन गई, वो आपका चल रहा है यहाँ पे कितना डी एक्स चल रहा है। तो आपका आई तो ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट, आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे रहेगा कितना सेवन रहेगा माइनस का, यहाँ से देखिए ठीक। अब मैंने कहा था पॉजिटिव वाला जो होता है वो इनके साथ रहेगा और निगेटिव वाला क्या रहेगा वो अलग रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का नाइन हमने साथ में लिख लिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे प्लस हो जाएगा, और प्लस का नाइन हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसके साथ तो रखना ही नहीं हमको, है ना, क्योंकि उन्होंने मना किया है, ठीक है, जो प्रोमण की विधि बना के गए हैं भैया वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे रखना है आपका, चलिए यहाँ देखिए ये आपका अलग है ये आपका अलग है, नौ में सोलह ऐड होगा, यहाँ देखिए प्लस लगा है सात प्लस दोनों ऐड होगा कितना आ जाएगा सोलह आ जाएगा, वहाँ करिएगा नौ में सात ऐड होगा तो कितना आएगा सोलह आ जाएगा, माइनस लगाया ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ये किसका स्क्वायर बनेगा थ्री का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो कितना बन रहा है एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। वो आपका यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो आई इक्वल टू अब इंटीग्रेशन वन अपॉन, अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं फोर का स्क्वायर लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे चीज़ें राइट कर दी। अब देखिए यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कितना इंटीग्रेशन प्रॉपर वो फॉर्मूला मैं यहाँ राइट करता हूँ, शायद आपको आइडिया पता चल जाए, और जिसको याद होगा उसने दिमाग लगा लिया होगा, ठीक। जिसको याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म पहले आया। मैंने आपसे कहा था प्लस में आप किसको किसी से लिखिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन माइनस में जहाँ पर है जो वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जब इस तरह कंडीशन लिखी जाती है तो यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह आपका एक्स प्लस थ्री है, और ए की जगह कितना है, एक्स की जगह आपका ए की जगह फोर है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना हो जाएगा, एक्स की जगह आपका हो जाएगा एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, अपॉन में ए की जगह कितना हो जाएगा, ए की जगह आपका फोर हो जाएगा एंड प्लस का सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, अब आपने इतना काम भी कर लिया यहाँ तक और आपको आगे फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होगा देखो एक लाइन का क्वेश्चन होगा, तो इसी तरह क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, क्वेश्चन किसी तरह कंडीशन में आए बस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सेम प्रोसीजर वही अप्लाई करना, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कराने वाला नहीं हूँ, मैं आपको वो चुनिंदा क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, जब आप ये ढंग से वीडियो को समझेंगे, एक बार समझिए नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार फिर से ट्राई करिए, दूसरी बार तो 100% समझ में आएगा ये गारंटी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप लगाएंगे अपने मन से जितने आप कैलकुलेशन करेंगे जितने बार बार फॉर्म पन्ने पलटेंगे फॉर्मूले को देखने के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, लिखा है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत आसान लेकिन एक्चुअली होते नहीं, ठीक। कभी कभी तो आसान होता है, सिंपल सी बात, जब दिमाग जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमको दिमाग में बैठा रहता है कि नीचे वाले को लेट कर लिया जाए, क्या पता ऊपर वाला मिल जाएगा डीएक्स की वैल्यू निकाली जाएगी तो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, यही हम लोग सोचते हैं, नॉर्मली सब लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही सोचेंगे हम ही सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम नीचे वाला लेट करेंगे लेकिन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला कहीं दूर दूर नजर नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। तब क्या करा जाए, तब क्या कंडीशन बन सकती है, तो इस बिहार पे देखेंगे, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं और यकीन न मानिए आप 8 नंबर तक देखे गए हैं, यानी कि 8 नंबर तक देखे गए हैं, प्रॉपर याद रखिएगा, ठीक है, है ना। तो अब इसको कैसे करा जाए, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, लेंदी क्वेश्चन है, यानी कि जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो दो क्वेश्चन किए हैं उसी तरह क्वेश्चन इसमें अभी आपको एक बार और बनेगा, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर उस तरह का एक क्वेश्चन बन जाता है इसी में, बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह आपको अप्लाई करनी है। चलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसको हमने सबसे पहले माना आई,
देन यहाँ कितना है आपका लिखा 5x माइनस का 2, एंड अपॉन में कितना है 1 प्लस का 2x प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे dx। ठीक है, अब नीचे वाले को हमने लेट किया, ऊपर वाला तो बन नहीं रहा है। जब इस तरह का निशान आए जो मैं आप बताने जा रहा हूँ वो आप काम करिएगा, क्या यहाँ सीधा सीधा मानिएगा, माना, ठीक है, माना क्या 5x माइनस 2, और 5x यहाँ पर क्या देखिए, ये आपका अंश है, ये आपका क्या हर है, ठीक है, तो 5x माइनस 2 ए आपको आगे देना है, डी बाई डी एक्स करना है हर को, हर मतलब 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का आपको लेना है बी, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या चलेगा, फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा अंश इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स किसका हर का प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस का 2 आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे a रहेगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, अब अंदर डिफ्रेंसिएशन करिए, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका सर 0 हो जाएगा, इसका होगा सर 2, इसका होगा कितना 6x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 5x माइनस 2, एंड यहाँ पे आपका a रहेगा, यहाँ 6x प्लस कितना आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का b आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना दे रहे हैं। ठीक है, बस समझते जाइएगा जो मैं कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर आपको तब करना है जब नीचे वाला लेट करने पे ऊपर वाला ना बन रहा हो। ठीक है, तो हमेशा ये आप लोग अप्लाई करना है, जब बन जाए तो आराम से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे सवाल उठता है, आप यहाँ पे क्या है, नॉर्मल हमको सर ए और बी जो हमने कॉन्स्टेंट यहाँ पे जूम किए थे इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। जब ये वैल्यू निकलेगी तो प्रॉपर 5x माइनस 2 की जगह प्रॉपर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे आप प्रॉपर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा जाएगा 5x माइनस 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ कितना आएगा 6x a हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2a, और प्लस का आपका चल रहा है बी। ठीक है, अब कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन कैसे होगा, x का गुणांक x के गुणांक के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि इधर ये है और टोटल कांस्टेंट टर्म ये, इसका कंपैरिजन ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अचर पद, अचर पद यानी कि कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तथा एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इसे गुणांक तुलना करेंगे, एक्स के गुणांक की तुलना करें तो एक्स को छोड़ दो, एक्स का गुणांक कितना है 6a, क्योंकि जिसकी हम गुणांक की बात करते हैं उसको छोड़ के बाकी जो आगे पीछे होता है सब उसका गुणांक होता है साइन के साथ, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम एक्स की गुणांक की तुलना करें, एक्स का कितना है 5 है, तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, ए की वैल्यू निकलेगी 5/6 निकल आएगी, तो ए तो भैया हमको मिल गया। ठीक है, अब ए मिल गया, अब कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, यहाँ पे है 2a प्लस का b है इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है माइनस 2 है। ठीक, अब देखिए 2a, 2 को ऐसे रखेंगे, a की वैल्यू हमने निकाली कितनी 5/6 निकाली, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं, प्लस का b इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, तो यहाँ रखते हैं 5/3, ये प्लस का यहाँ हो जाएगा b, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2, यहाँ आ जाएगा कितना 5/3 ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर क्या करेंगे, प्रॉपर हम यहाँ पे एलसीएम यूज कर लेते हैं, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड माइनस का आ जाएगा 5। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 11/3। तो हमने जो a और b की वैल्यू यहाँ पे निकाली है ये क्या करेंगे, ये अब जाके रखते हैं समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, चीज़ें समझते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपसे कहा नहीं कि अभी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर जो अभी क्वेश्चन आपने किए वो क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। ठीक है, तभी तो वो भी बनेगा, उसके बाद उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन लेंदी होगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं ली, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी हो कैसा भी हो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 कहाँ, यहाँ पे है, तो यहाँ हमको लिखा कितना 5x माइनस का 2, हम ऐसे राइट करते हैं, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह प्रॉपर हमने जो वैल्यू निकाली कितनी 5/6, वो हम यहाँ राइट करेंगे, उसके बाद इसके साथ जो लिखा है वो लिखा जाएगा कितना 6x प्लस का 2, उसके बाद b की जगह कितना हो जाएगा, b की जगह माइनस 11/3 है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती बच्चे लोग करते हैं, यहाँ पर क्या बस इसका सीधा गया, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए, बस a और b की वैल्यू खाली रखनी है बस।
वैसा नहीं कि इसके अंदर गए मल्टीप्लाई करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो अब क्या पता चला, हमको एग्जैक्ट पता चल गया कि 5x-2 जो है वो इसके बराबर है, यानी कि 5x-2 को हम सर ये लिख सकते हैं। बात समझ गए? तो अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, तो मतलब क्या क्वेश्चन में जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो इसकी जगह हम लोग अब ये राइट करेंगे कितना 5/6, यहाँ पे आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6x प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद आएगा माइनस का 11/3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना dx आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ बनेगी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा अपना वही काम, इस टर्म के साथ पहले ये अलग करेंगे, फिर इस टर्म के साथ पहले ये अलग टर्म करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, यहाँ पे अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसके साथ ऐसे हम ये चीज़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट था तो हमने इसको बाहर ही निकाल लिया पहले से ही, तो ये सब चीज़ें बन गई। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन देखो, यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बन गया, देन आपका ये क्वेश्चन यहाँ भी बन गया, क्योंकि अभी तक आप इसी तरह सॉल्व करते आ रहे थे, बात समझ रहे? तो अब इसको भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब पर्टिकुलर इसको हम लोग मान लेते हैं कितना I1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेंगे इतना, इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अलग I1 को सॉल्व करेंगे, अलग I2 को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे हम आके पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 बनाया था, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो सेम बस इसी तरह आपको सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब I1 को हम लोग यहाँ लेट करते हैं, I1 कितना है आपका, I1 है आपका 5/6 है, इंटीग्रेशन है कितना 6x प्लस का 2 है, एंड आपका यहाँ पर कितना है 1 प्लस का 2x प्लस का कितना है 3x² है। ठीक है, तो ये आपका I1 हो जाएगा। अब I1 को कैसे सॉल्व हो सकता है, सिंपल सा दिमाग लगाइए। अब देखिए, नीचे वाला जो आप लेट कर रहे हैं ऊपर वाला मिल जा रहा है, इसको आप लेट करिए, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना 6x हो जाएगा, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, माना इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस का 3x², तो कितना हो जाएगा dty आपका हो जाएगा dx, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ पे आएगा 6x। ठीक है, तो हमको dx की वैल्यू निकालनी है, dx को हम यहाँ भेजेंगे, d2 को यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा 6x प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने dx की वैल्यू निकाली। अब प्रॉपर क्या करेंगे, dx की जगह dx की वैल्यू रखेंगे, और इसकी जगह t रखते हैं, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेगी, देन हम आगे बात करें। लिखते हैं I1, तो आपका यहाँ I1 लिखा है, इंटीग्रेशन कितना हुआ 5/6 है, तो वो हमने लिखा, यहाँ पे कितना 6x प्लस का 2 है वो राइट किया, देन नीचे वाले को हमने t बना दिया, dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह आपका हो जाएगा dt अपॉन में 6x प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा 5/6 बनेगा, इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 1/t dt I1। अब देखिए, यहाँ 5/6 आपका ऐसे रहेगा, अब आपको पता है इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, log x होता है, तो यहाँ t है तो कितना हो जाएगा log t हो जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पे आपका c जुड़ा जाएगा, हम लोग उसको मान लेते हैं c1, क्योंकि अभी यहाँ पे हम I1 सॉल्व करेंगे तो c1 जोड़ेंगे, I2 सॉल्व करेंगे तो c2 जोड़ेंगे, फिर c1 और c2 को कंबाइन कर देंगे, तो वहाँ पे एक हम अलग से कांस्टेंट c ले लेंगे, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो I1 अभी कंप्लीट हुआ नहीं, तो यहाँ 5/6 हो जाएगा, लॉग लिखा जाएगा, और जो टी हमने जो वहाँ लेट की थी वो टी रखते हैं कितना 1 प्लस का 2x प्लस का कितना 3x² और प्लस का आपका हो जाएगा c1। ठीक है, ये आपका नहीं निकाल लिया कितना I1 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, I2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो I2 को हम यहाँ पहले राइट करते हैं कितना I2 कितना दे रखा है, माइनस का 11/3। ठीक है, अब या तो माइनस का 11/3 लिख दो, माइनस यहाँ पर हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे पक्का प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो 1/, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 2x प्लस 3x², कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब पॉजिटिव, तो हम लोग 3x² को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग जो फॉर्मूला ओपन करते हैं तो a² पहले ही आता है ना, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, बस समझते जाइएगा चीज़ें, है ना, क्लियर होती रहेंगी। यहाँ पे आपका dx आ गया, तो अब इसको क्या बनाना है, इसको बनाना भैया पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको सारी कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, जो x² का जो गुणांक होगा वो आपका अकेला होना चाहिए, यहाँ पे अकेला होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा, मतलब हटाने का मतलब 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, जब सर हम यहाँ 3 को कॉमन लेंगे कितना बन जाएगा, 3 यहाँ से निकालेंगे, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कि 3 यहाँ ऑलरेडी है, 3 यहाँ से आएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और आपको पता है जब हम कॉमन लेते हैं जिसके पास नहीं होता है
तो वो कहाँ जाता है, वो इसके डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पे 2/3x हो जाएगा, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इतनी बात उम्मीद कर समझ आई होगी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं सर, जो यहाँ पे होता है इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं आधा। 2/3 का जब आधा करेंगे जितना आएगा उसका हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं, उतना ही घटाते हैं, ठीक है। तो वो काम करने के लिए ये चीज़ हमको यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेगी। तो I2 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा कितना, 11/9 इंटीग्रेशन 1 तो ऊपर लिखा हुआ है। अब इधर देखिए 2/3 का हम आधा करेंगे कितना होता है, 2/3 आधा करने का मतलब क्या होता है, उसको सर 2 से भाग देना। जैसे ही भाग देंगे तो ये इसके पास आएगा, कितना हो जाएगा 2/2 × 3 हो जाएगा, ये तो होगा। और 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कि 2/3 का हमने आधा किया, कितना आया 1/3 आया। अब इसका हम लोगों को स्क्वायर करना है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/9 आएगा, जोड़ना और 1/9 घटाना है, ठीक है। तो वही काम यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2/3 x हो जाएगा, और 1/3 पहले से दे रखा है उसको राइट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 आधा जो किया इसका स्क्वायर, यानी 1/9 जोड़ा हो, 1/9 घटाया हमने, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे I2 आपको चला, चलने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 11/9 आएगा। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा कहा है कि जो x के साथ है, जो आपने वर्ग के जोड़ा है उसको साथ में रख लीजिए इसके, बाकी जो है उसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है। तो बस यही काम आपको 2 बार माइंड में करने हैं, बोलना है, देन सारी चीज़ें अपने आप से समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो प्लस लगाया, यहाँ पे 1/3 था 1/3 लिखा, माइनस का 1/9 है तो 1/9 राइट किया हमने, बाकी यहाँ पे आपका dx चल रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो इससे शायद ही आसान कोई चीज़ आपको समझ में होगी, है ना। यहाँ किसका बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि सर यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि सर जब 1/9 को हम 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो कहानी बनेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 9, ठीक है, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 बार में जाएगा, ये लिखा जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे dx, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 11/9 इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, यहाँ कितना बन रहा है x प्लस 1/3 स्क्वायर, प्लस का यहाँ कितना आ रहा है 2/9 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी एंड dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए I2 ऐसे लिखा जाएगा 11/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाया यहाँ पे आ जाएगा √ यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसको हमने इस तरह लिख दिया। पर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता है थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला किसका होता है, 1/8 tan inverse x/a होता है, ठीक है। आप पन्ना पलटिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे चीज़ें हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 11/9 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाया 1/a, a की जगह कितना है √2/ यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ लिखा जाएगा tan इनवर्स x, x की जगह x प्लस 1/ यहाँ पे 3 आ जाएगा, डिवाइड में a होता है, a की जगह कितना आ जाएगा √2/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा C2, क्योंकि I2 था तो यहाँ पे C2 हमने लिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो ये 3x + 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे करूँगा I2 इज इक्वल टू 11/9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 tan inverse हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा कितना आएगा 3x + 1 / कितना 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2/3 हो जाएगा, प्लस का आपका आ जाएगा C2। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से 3 ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ रिमूव करता हूँ, देन आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पे I2 लिखा है तो I2 हमने ऐसे राइट किया, और यहाँ पे कितना है 11 ऊपर है, 11 हमने यहाँ लिखा, यहाँ पे आया 3 आया, इस 3 का मल्टीप्लाई से कर देंगे तो यहाँ पे 3 √2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे चल रहा है कितना tan इनवर्स, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा सर 3x + 1 बचेगा, अपॉन में आएगा, उसके बाद कितना बचेगा √2 बचेगा,
ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखिए प्लस का यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, प्लस का यहाँ पे सी टू लिखा जाएगा। अब हमने क्या किया, देखिए हमने आई वन का भी वैल्यू निकाली, हमने आई टू की वैल्यू निकाली। अब दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में। आप यहाँ पे हमने नहीं लिखा तो आप पन्ना पलटेंगे तो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण एक व दो से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई चल रहा था, आई वन कितना है, आई वन आपका ये, तो आई वन की जगह यहाँ रखा जाएगा कितना, 5/6। फिर आएगा यहाँ पे लॉग आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2x, प्लस का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे c1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे था माइनस, माइनस लगाया, ठीक है, माइनस इधर लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आई टू था, तो आई टू की जगह आपका ये लिखा जाएगा कितना, 11/3√2। उसके बाद आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 3x, प्लस का 1/1 में ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे c2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता था, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे दो कांस्टेंट आ गए। तो इनको हमको हटा के क्या, हमको एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, देन हम आगे बात करते हैं फिर। तो यहाँ कितना हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा 5/6 लॉग अब कैसे रहेगा, देन 1 + 2x, प्लस का कितना 3x² हो जाएगा, माइनस का 11/3√2 tan इनवर्स 3x, प्लस का 1/1 में √2, प्लस का। अब c1 और c2 को हटा के एक नया कांस्टेंट हमने c लिख दिया। अब यहाँ लिख देंगे क्या, जहाँ जो c है वो कैसे आया, c1 प्लस c2 को मिला के, मतलब दोनों को जोड़ा था तो एक नया कांस्टेंट ने c लिखा, ठीक है। तो प्रॉपर ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छा समझ आया होगा। तो मैंने आपसे जो जो कहा वही सब चीज़ें यहाँ बनी, ऐसा कुछ नया नहीं बना, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी दिखे कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इस तरह बन सकता है क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट, नॉर्मल ये सब तो रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा रूट। तो उसको कैसे टैकल करना है वो चीज़ मैं आपको अब यहाँ बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बारे में बन सकते हैं, सेम चीज़ वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अंडर रूट आ गया है और जो क्वाड्रेटिक थी उसको यहाँ फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई, देन यहाँ पे 6x + 4 आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वहाँ पर एक अंडर रूट x - 5 लिखा तो हमने वो राइट किया, देन x - 4 लिखा तो हमने वो राइट किया, dx आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले इसको हम लोग क्या करना है, वापस हम क्वाड्रेटिक में भेज देंगे। क्वाड्रेटिक में कैसे भेजेंगे, इसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना साथ में लिख देते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो सेम जो अभी क्वेश्चन किया बस वही क्वेश्चन बना है, बस क्या है यहाँ पे, बस यहाँ पे रूट आ गया और नंबर डिजिट चेंज है, वो तो चेंज रहेगी रहेगी, ठीक है। अब जिस तरह क्वेश्चन आ जाए, अब क्या फिर से वही काम करिए, नीचे वाले को लेट करिए, क्या ऊपर वाला बन रहा है, जब बन रहा है वही सॉल्व, नहीं बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले को लेट कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं बन रहा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, अंश जो होगा वो a d/dx होगा, किसका, हर का, ठीक है। उसके बाद प्लस का b। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, इसमें भी थोड़ा सा वो है, इसी वजह से बता रहा हूँ, चीज़ें लोग गलती कर देते हैं, बात समझ रहे ना, क्या गलती करते हुए बताता हूँ। हर का मतलब ये नहीं कि जो रूट के साथ है वो ले लिया, बस जो यहाँ नंबर लिखा है वो लेना है आपको। अब देखिए अंश में कितना है, 6x + 4 लेना है, उसके बाद a आ जाएगा, फिर आपको लेना कितना d/dx, और हर का मतलब ये सिर्फ जो नंबर लिखा है ये लेना है, ना कि रूट के साथ लेना। अब आप रूट के साथ ले लेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, बात समझिएगा मेरी, ठीक। जैसे ही आप रूट के साथ लेंगे चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। तो नॉर्मल आप क्या करेंगे, नॉर्मल अब हमको यहाँ पे करना 6x + 4, ए आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण आपका ये प्रॉपर बना देंगे एक। तो यहाँ से हम लोग भी जिस तरह भी क्वेश्चन किया उसी तरह हम लोग यहाँ से निकालेंगे ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू वापस आके यहाँ रखेंगे, और ये वैल्यू मतलब इसके बराबर ये बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखें, इसको हम अलग अलग करेंगे। नॉर्मल यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट वाले जो फॉर्मूले आपको जो 6 फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर बताए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना है। कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन को लगाने में होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स है, प्रॉपर उसको आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से ही ट्राई करिएगा। इसी वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। ये ना कहिएगा कि सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं,
ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। बस मेरा मकसद यह है कि आपको चीज़ें, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उस पर अच्छी कमांड हो। अच्छी कमांड तभी हो सकती है जब उसकी तरह आप क्वेश्चन लगाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आंसर आएंगे, मतलब उतने ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। आंसर तो आएंगे ही आएंगे, है ना, तो उससे ज़्यादा क्लियर चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे वो आपके लिए बेटर है, ठीक है। हमने भी बहुत लगातार क्वेश्चन लगाया, इसी वजह से पकड़ बनी। इसी तरह आप भी अच्छे से लगाएंगे तो आपको भी पकड़ बनेगी। अगर कोई भी दिक्कत लगती है अभी तक जितनी हमने बात करी, देन आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बिल्कुल समझाया जाएगा। परेशान बिल्कुल होना नहीं है, समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया है तो ठीक। लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, आपको कहीं भी कुछ आपको लगता है मिस हुआ है या समझ में नहीं आया, तो तुरंत आपको कॉल करनी है, बात करनी है, अच्छे से समझाना है क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्या नहीं पूछना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि हम जब कॉल करें कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, देन आप क्या करिए, अपनी कॉपी में प्रॉपर उस जिस तरह माइंडसेट आप सोच रहे हैं उसी तरह डिट्टो आप लिख लीजिए, वही क्वेश्चन हमसे रिपीट करिए। जो डाउट्स आपको कल क्वेश्चन लगाने में होते हैं वो सारी चीज़ बातें पूछिए, बिल्कुल क्लियर डिटेल से डिस्कस करिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको इस क्लास में बिल्कुल मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।